नमस्कार, आज हमारे साथ बहुत खास एक अतिथि है, इंडियाज़ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एस वाई कुरैशी साहब। आदाब सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सर, आप 6 साल के लिए पूरे टर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं और उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन इट्सेल्फ एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये वजाहत करूं कि मैं 6 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था, इलेक्शन कमीशनर था, 4 साल इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद 2 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इन दोनों हैसियत से मुझे इलेक्शन कमीशन को बहुत करीब से देखने का और उसमें काम करने का मौका मिला। और इलेक्शन कमीशन की जो एक इमेज और रेपुटेशन है, वो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कमीशन ये जाना जाता है। मैं तो जगह जगह लेक्चर देने जाता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन में भी कभी थीम ये होता है और लोगों का रिस्पॉन्स भी बड़े इज्जत और ऑ से देखते हैं कि ये इंडिया का इलेक्शन इतना बड़ा, कि नॉट ओनली इसका साइज़ कि इतना बड़ा इलेक्शन कोई दुनिया में नहीं, बल्कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट एक्सरसाइज ऑफ एनी काइंड दुनिया में नहीं, उसको 90 देशों के बराबर का ये इलेक्शन है। 90 देशों का, तो यानी हर हर कॉन्टिनेंट इंडिया में समा जाए, ये उसका साइज है। और 90 देशों की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सब हमारे यहाँ सब मौजूद हैं, उसके बावजूद अच्छा इलेक्शन करना ये बहुत क्रेडिटेबल बात है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इज्जत से देखती है। बल्कि एक हिलरी क्लिंटन ने तो इंडिया के इलेक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया था। बहुत सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें दुनिया भर में मिलते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना गुरु मानते हैं। तो ये तो था पिछले 70 साल की हिस्ट्री। लेकिन रिसेंटली इलेक्शन कमीशन पे जितना अटैक हुआ, उससे बड़ा दुख होता है। तो कुछ तो जायज़ अटैक, कुछ नाजायज़ अटैक, लेकिन हर हालत में इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ना, जितने सारे कार्टून इस पे बने, इस पर आज के दिनों पॉलिटिशियन का जो रवैया है, उनका मिसबिहेवियर है, उनके मॉडल कोड की वायलेशन है, उस पर इतनी चर्चा नहीं है जितनी इलेक्शन कमीशन की है। अदालत के कटहरे में जो मुलजिम है, मुजरिम है, वो नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन खड़ी हुई है, ये बहुत अफसोस की बात है। तो हाल में जो रिसेंट, सबसे रिसेंट एक कंट्रोवर्सी ये रही है, व्हेन द वन ऑफ द 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिसीशंस, जो डिसीशन मेकिंग थे, उनसे अपने आप को रिक्यूज करके कहा कि जब मेरे डिसेंटिंग ओपिनियंस का नोट भी नहीं हो रहा है, डिसेंटिंग, तो ये तो एक जमहूरियत और लोकशाही में बहुत एक फंडामेंटल एक चीज़ होती है कि अगर आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इतना एक अहमियत देने वाला एक स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसमें अगर 3 ऑफिसर्स हैं वो आर ऑफ इक्वल स्टैचर एज द चीफ इलेक्शन कमीशन, इज नॉट मोर सीनियर और लेस सीनियर, और उसमें अगर राय बनती है और नहीं बनती है, तो उसमें तो हर एक की राय रिकॉर्ड करना, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। मगर उसको लेकर भी गए एक हफ्ते में बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी रही है, कनेक्टेड टू द फैक्ट कि उनको लगा था कि द डिसेंटिंग इलेक्शन कमिश्नर, उनको लगा था कि प्रधानमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट के जो स्पीचेस थे, उनके वायलेशंस जो थे, उसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया वो सही नहीं था। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन में कोई डिसेंट कर रहा है, मैं तो समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। ये से लगता है कि कमीशन में डेमोक्रेसी है। आफ्टर ऑल 3 मेंबर अगर इलेक्शन कमीशन में डाले गए थे, उसका मकसद ये था कि 3 दिमाग उसमें आए, अपनी अपनी बात कहें, और ऑब्वियसली जब 3 दिमाग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ उनमें इख्तलाफात होंगे। और ये तो अच्छा है समझता मैं, क्योंकि जिस स्टेज पे ये बाहर आया कि वो जो डिसेंटिंग नोट देते रहे हैं, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की जो रेपुटेशन को साख जो बिगड़ने लगी थी, वो थोड़ी सी संभल गई, कि इसका मतलब है कि कम से कम एक डेमोक्रेटिक उसमें डिस्कशन होता है और इख्तलाफ राय है, उसकी गुंजाइश है। दूसरी बात यह कि उस उनकी जो मुख्तलिफ राय है उसका रिकॉर्ड करना, मैं समझता हूँ वो तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये फैक्ट है कि प्रोसीजर में तो लिखा हुआ नहीं है, ये ग्रे एरिया है कि क्या होना चाहिए। सबको मालूम है कि जो हमारे कुछ काम तो कॉज़ाई जुडिशल होता है, यानी अदालत की तरह बैठते हैं, वो तो समझिए 10% है। उसमें पूरी हमारी एक अदालत है, उसमें उसी तरह के सीटिंग अरेंजमेंट है, वकील लोग आते हैं, अपनी बहस वहस करते हैं, वो सब होता है। उसके जो हम ऑर्डर जजमेंट लिखते हैं,
अगर उसमें यूनैनिमिटी नहीं है, अब तीनों साइन करते हैं, अगर यूनैनिमिटी नहीं है, कोई डिफर करता है, वो अपनी जजमेंट अलग से लिख सकता है, डिसेंटिंग नोट लिख सकता है, ताकि जो बाहर जाएगा वो 2-1 जजमेंट के रूप में जाएगा, जो मेजोरिटी का व्यू है वो प्रिवेल करेगा। ये मेजोरिटी वैसी भी हो सकती है कि सी सी माइनॉरिटी में हो और दोनों मेजोरिटी हो जाए, जी हाँ जी तो ये भी हो सकता है। और लेकिन जो मॉडल कोड के केसेस हैं वो बेसिकली समरी हैं, डेलिबरेटली समरी हैं, क्योंकि मॉडल कोड कोई कानून तो है नहीं, ये तो एक वॉलेंट्री कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने एक ज़माने में 60 के दशक में, 1960 के दशक में ही अपने अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन का बनाया था। उसमें कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके ऊपर कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट आती है तो हम जिसके खिलाफ शिकायत है उसको नोटिस देते हैं। तो ये जुडिशल प्रोसेस की तरह है कि नेचुरल जस्टिस के भी, इससे पहले कि आप राय बनाएं, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसे पूछे तो सही कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो उसका जवाब आता है और लीगली ड्राफ्टेड होते हैं नॉर्मली, तो उसके ऊपर हम जजमेंट कहते हैं कि कमीशन ने ये फैसला किया कि हाँ आपकी बात मानी जाती है, या ये कि आपसे सहमत नहीं है, आपको चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, सेंश्योर किया जाता है, जो भी जिस डिग्री की वो समझा जाएगा कि आप ऐसे आगे से ऐसा ना करें। तो लेकिन उसमें अगर डिसेंटिंग कोई होता भी था तो हम नॉर्मली हम आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं, अगर ये एक मेंबर चाहता है कि उसका ओपिनियन जाए रिकॉर्ड में, और मैं समझता हूँ उसकी ये इच्छा एक जेन्युइन लेजिटिमेट है। ऐसे बात में जब इलेक्शन कमीशन पे हर तरफ से अटैक हो रहा है और उसका मजाक उड़ रहा है, तो उसके यार दोस्त, उसके साथी, उसकी फैमिली, उसके जानने वाले उस शख्स का भी मजाक उड़ाते होंगे, तो वो उसे अगर ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता है कि भाई मेरी राय मुख्तलिफ थी, तो वो तो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन कल से ये डालना, सीधी सी बात, अगर ये कह दें कि भाई लेकिन आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम आया था, इलेक्शन कमीशन मेजॉरिटी ओपिनियन से आपको गिल्टी पाती है, अब उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन का वर्ड डाल दो, कौन सी बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने बहुत बढ़िया बात कही कि दैट प्रोसीजरली वो अगर कोई इंक्लूड करना चाहे तो इसको इंक्लूड करना चाहिए, मगर हम मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा। मुद्दा बहुत गंभीर था, मतलब दो तरह के मुद्दे थे। एक तो मतलब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में जिस तरह के गिरे हुए शब्द, गिरे हुए भाषण इस्तेमाल हो रहे हैं गए 3-4-5 सालों में, वो पहले शायद कभी नहीं इस्तेमाल हुए थे इसी लगातार कंसिस्टेंसी से, वो एक बात। दूसरी बात, सरकारी यंत्रणा को जिस तरह मिसयूज किया गया, क्योंकि एक एलिगेशन ये भी आया था कि नीति आयोग को इस्तेमाल करके पूरे स्टेटिस्टिक्स को यूज कर, हालांकि वंस इलेक्शंस आर कॉल्ड देन वेदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर और वेदर यू आर द चीफ मिनिस्टर, आपको सरकारी यंत्रणा को यूज नहीं करना चाहिए। मतलब इंदिरा गांधी जी को इसी इस एक मसले पे पूरा डिस्क्वालिफाइड भी किया गया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर एक इल्ज़ाम था कि इस तरह की पूरी यंत्रणा को मिसयूज किया जा रहा है और फिर भी आयोग ने उसको कुछ गलत नहीं समझा। तो इट इज़ एट टू लेवल्स, वन इज़ कि एक काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज बींग यूज, एंड सेकेंडली कि द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, एलिगेशन ऑफ मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। देखिए क्या कहा जा रहा था वो भी मॉडल कोड में आता है, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी भी मॉडल कोड में आता है, क्योंकि पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 7 मॉडल कोड का, जो सरकार के बारे में है कि सरकार को जो एडवांटेज है वो जीरो कर दिया जाता है, उनके वो सरकारी गाड़ी यूज नहीं कर सकते, सरकारी जहाज यूज नहीं कर सकते, एयरपोर्ट में उनकी तस्वीरें उतर जाती तस्वीरें उतर हैं जाती हैं, घर हर ऑफिस से उनकी तस्वीर, क्योंकि अब वो जब इलेक्शन हो रहा है तो उस वक्त वो कैंडिडेट के रूप है उनका, फिर वो ओहदा उनका चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं वो गिना जाता, फिर वो कैंडिडेट है, तो ये ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। तो और इसकी अगर कोई उल्लंघना होती है तो उसी की कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट पे जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसको नोटिस देते हैं, वो अपने बचाव करता है। तो ये दोनों प्रकार के जो एलिगेशन है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, मॉडल कोड की वायलेशन। तो आई लास्ट यू पॉइंटेड क्वेश्चन सर, कि आपको नहीं लगता कि ये दोनों कैटेगरी के बहुत बुरी तरह वायलेशन हुए हैं और देखिए इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है? देखिए मैं उसके मेरिट्स ऑफ उनके डिसीशन के मेरिट पे तो मैं जानना चाहता, क्योंकि मेरिट पे फैसले के लिए हमारे सामने फुल फैक्ट्स होना ज़रूरी होता है। यही वजह जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि दोनों पक्ष का स्टैंड हमारे सामने हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नतीजे पहुंचे लेकिन जब दूसरे फैक्ट सामने आते हैं तो
तो बात बदल जाती है। इसलिए और मेरिट पे फैसला मुझे कमिट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं खुद हेड रह चुका जी हूँ, वो भद्दा समझा जाएगा। मुझे तो बस बेसिकली तश्वीश ये है कि इलेक्शन कमीशन पे जिसके पूरे हिंदुस्तान तारीफ करता था, उसकी इज्जत करता था, वो आज मजाक उड़ा रहा है, राइटली या रॉन्गली, हर दो हालत में ये अफसोसनाक है और चिंताजनक है। सर, आएंगे थोड़ा ईवीएम के ऊपर। ईवीएम को लेकर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी 10-15 साल से चल रही है, ऐसे नहीं कि नहीं है। देयर वाज इवन अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की, फिर उसके ऊपर चर्चाएं हुई, फिर एक डिसीशन लिया गया। ये सवाल भी बार बार आता है कि बाकी बड़े बड़े लोकशाही देशों ने ईवीएम को के यूज़ बंद करके देयर गॉन बैक टू द पेपर बैलेट। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, ईवीएम की कंट्रोवर्सी तो जब से ईवीएम शुरू हुई है, जब से ही चल रही है, और हर कंट्री में होती है। वो सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल हिंदुस्तान में 1982 में हुआ था, केरला में, आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसी पे लोग कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप कानून कौन सा है, कानून में तो बैलेट पेपर का जिक्र था, ईवीएम का तो जिक्र ही नहीं था, तो उन्होंने उसको इलीगल डिक्लेयर किया था। तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे शुबा जाहिर किया था कि ये टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, उनका तो कहने का मतलब ये था कि वे कानून की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसमें बैलेट पेपर मेंशन है तो बैलेट से करो, मशीन का नाम आ जाए तो मशीन का नाम डाल दो कानून में और कर लो। फाइनली जब तक मशीन का डाला गया, इस्तेमाल उसमें डाला, काफ़ी टाइम हो गया, 1998 से हर स्टेट इलेक्शन ईवीएम से हो रहा है। दूसरा ये कहना कि विदेशों का, मैं उस आर्गुमेंट को बिल्कुल नहीं मानता कि जी अमेरिका में नहीं है। ये कहना कि अमेरिका में नहीं है ना, ये तो वैसे ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अमेरिका में हमारे अनलाइक इंडिया एक सिंगल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे टोटली डिसेंट्रलाइज है, बल्कि 10,000 काउंटीज हैं, तो वहाँ पे 10,000 सिस्टम हैं। अब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बिला मुबालगा 10,000 सिस्टम है, उसमें सैकड़ों जगह पे ईवीएम यूज़ होती है, और किसी न किसी किस्म की, वो भी एक टाइप की नहीं, 20 टाइप की ईवीएम है, कहीं ऐसी वैसी वैसी वैसी, और हजारों में, सैकड़ों हजारों में ईवीएम नहीं यूज़ होती। तो ये कहना अमेरिका में ईवीएम यूज़ नहीं होती, ये भी गलत होगा, क्योंकि अमेरिका में तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो यूरोप की बात है कि यूरोप के 4 देशों ने ईवीएम बंद कर दी, उसको भी इतना सेंसेशनल जैसा बनाया जाता है, वो गलत है, क्योंकि 4 देशों ने जो बंद की थी, बेसिकली वो 4 के 4 देश सिर्फ एक कंट्री की एक एक मशीन यूज़ कर रहे थे, नेदरलैंड की बनाई हुई नेडेप नाम की कंपनी की। उस मशीन में फ्लॉ निकला, और फ्लॉ भी क्या था कि उसका जो सिग्नल था वो कमरे से बाहर भी पहुंच रहा था, तो जो इसका मतलब है उसको मैनिपुलेट करते थे। तो नेदरलैंड ने जो मशीन बंद की, तो बाकी जैसे हमारी मशीन कोई और कंट्री बोरो करता हो, हम बंद कर देंगे, वो सारे भी बंद कर देंगे, है ना। तो ये कहना कि एक के बाद वो बेसिकली वो चारों चार मशीनों का, कंट्रीज का वो नहीं है, बल्कि वो एक मशीन के पर रिफ्लेक्ट किया जाता है कि वो मशीन थी तो चारों कंट्रीज ने बंद की। फिर तो एक जर्मन सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता है कि जी जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल किया, उन्होंने उसी ग्राउंड पे इलीगल किया था जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 25 साल पहले किया था, कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो वोटर खुद वेरीफाई कर सके बगैर किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इस वजह से वो किया था, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी गलत चीज़ है, उन्होंने लॉ ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके उस पे गए थे वो। आपको क्या लगता है कि ईवीएम मैनिपुलेशन नहीं हो सकता? देखिए, ईवीएम हम तो यही कहते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट हम क्यों कहते हैं कि नहीं हो सकता, कि इसमें एक तो टेक्नोलॉजिकल सेफ गार्ड्स होते हैं या हर किस्म के, एक तो जहाँ ये बनती हैं, ये जो 2 फैक्ट्रीज हैं, जो करोल बाग की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री की फैक्ट्री है बैंगलोर में, और एक एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री की फैक्ट्री है हैदराबाद में। दूसरे, इसके जो 3-4 इंजीनियर बनाते हैं उसके ऊपर हमारा एक सुपरविजन ये है, हमारी एक कमेटी है 5 IITs के प्रोफेसर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेसर जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते, हम तो नॉन टेक्निकल हैं, हमने उनकी इंडिपेंडेंट कमेटी जो 20-25 साल से करती है, वो सारा उनका सॉफ्टवेयर वगैरह देखते हैं। फिर ये मशीन जब बनती है तो कौन से स्टेट में जाएगी, ये तो हम लोग फैसला करते हैं, लेकिन उस स्टेट में कौन से ज़िले में जाएगी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी, ये इसका ये तो कंप्यूटर डिसाइड करता है, हमारा भी कंट्रोल नहीं है। और सेकेंडली, किसी भी पार्टी का वहाँ पे परमानेंट फैक्ट्री में बटन नहीं तैयार हो सकता कि जी बीजेपी के नाम का ये पहला बटन, कांग्रेस के नाम का दूसरा बटन, हो ही नहीं सकता।
बटन असाइन किया जाता है कैंडिडेट के नाम पे। अब बीजेपी का अजय सिंह नंबर वन हो सकता है और शिव कुमार सातवें नंबर पे होगा, तो फैक्ट्री से अगर वो प्री सेट करके चलेगा वो चलेगा, प्री प्रोग्राम वो कैसे सकता है, क्योंकि वो तो फ्लक्चुएट करेगा और रैंडमली ये मशीन वहाँ पे जाएगी पोलिंग बूथ पे। इसलिए और मुस्तकिल सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे की सिक्योरिटी में ये मशीनें रहती हैं, प्राइवेट हाथ में तो जाती ही नहीं है, तो इस वजह से हम इसको वो करते हैं। हालांकि जो बेसिक बुनियादी बात की जाती है कि कौन सी दुनिया की टेक्नोलॉजी है जिसको नहीं तोड़ा जा सकता, वो अपनी जगह है, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से सेफ गार्ड पूरे करते हैं। अगर लेकिन लेकिन ये भी बता दो कि ठीक है ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम भी हो ये सब माने, लेकिन जब से वीवीपैट शुरू हो गई उसके बाद से तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए थी। और वीवीपैट भी कितना शुरू हुई थी, मुझे याद है 2009 में एक जीबीएल नरसिम्हा नाम के जो एक लीडर हैं बीजेपी के, उस वक्त बीजेपी में शायद नहीं थे, उन्होंने किताब निकाली थी डेमोक्रेसी इन डेंजर, बड़ा उसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह में वो किया पिटिशन था, किया था, पिटिशन किया था। तो उसके फौरन बाद उस वक्त हम लोगों ने चैलेंज किया कि भाई आके हमारी मशीन को मैनिपुलेट करके हमारी नज़रों के सामने दिखाओ, तो वो ये कहते थे कि हम आपके सामने नहीं, आप हमको मशीन दे दीजिए हम ऐसी करके लाएंगे कि आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो हालांकि मैं समझता हूँ उस बात में भी बल है, तो पर्सनली मेरी इंतजाती राय तो यह है कि हमें उसको इजाज़त देनी चाहिए थी। बहरहाल कमीशन का फैसला ये हुआ कि नहीं हमारे सामने करना है तो करो वरना जाओ, तो वो सामने उन्होंने करने से इनकार किया। फिर जुलाई में जब मैं आया तो मैंने देखा उस वक्त ये कंट्रोवर्सी पीक पर थी, तो इमीडिएटली अक्टूबर में मुझे अभी मैं देख रहा था 4 अक्टूबर 2010 में हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मेरा नज़रिया ये था कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ सबकी बात सुनो और अपनी बात उनको सुनाओ तो एक नए नतीजे पे पहुंचा जा सकता है, या तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं जो बहुत चीज़ों में हमने उनको किया और उन्होंने माने, या वो हमको कन्विंस कर सकते हैं, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर हमसे ज़्यादा तो वो हैं, हम तो उसके कस्टोडियन ज़रूर हैं लेकिन स्टेक होल्डर तो वो भी हैं। तो उसमें ही फैसला हुआ कि वीवीपैट अगर शुरू कर दें तो ईवीएम पे भरोसा हो जाएगा, तो वीवीपैट का हमने उसी दिन वहीं बैठे बैठे फैसला किया कि हम वीवीपैट शुरू करेंगे। दोनों फैक्ट्रियों को कहा कि अब आप उसका डिज़ाइन विज़ाइन बनाना शुरू करो, अपने सारे प्रोफेसर जो पांचों हैं उनको कहा कि आप इस डिज़ाइन को बनाने में ज़रा सुपरवाइज कीजिए, और उसके बाद जो है जल्दी जल्दी मशीनें तैयार हुई। फिर हमने उसके 5 शहरों में उसका टेस्ट किया, उसमें कुछ खराबियाँ आई, फिर साल भर बाद हमने उन्हीं 5 शहरों में दोबारा एक टेस्ट किया, वहाँ पर ठीक आया। उसके बाद एकदम 20,000 मशीनें खरीदने का ऑर्डर किया गया, बनानी शुरू हुई, जैसे जैसे आती गई वो हम इस्तेमाल करते चले गए। तो वीवीपैट के बाद तो ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर वीवीपैट पे भी लोग कहते हैं ना कि जितने वीवीपैट पे अवेलेबल है उतना होना चाहिए, उतना नहीं है। हाँ, वीवीपैट पे जो अब ये मसले ना इसका भी हल सोचना चाहिए। अब ये है कि वीवीपैट बनी किस लिए, ताकि उसका आप एक पर्ची जनरेट होती है, पर्ची गिन लीजिए, क्योंकि पर्ची गलत नहीं हो सकती जी। मशीन में तो चलो गलत होती क्योंकि पता भी नहीं लग रहा, तो अब उसमें कि कितनी मशीनें गिनी जाए। तो उस पे मुझे हैरानी है कि अभी तक उस पे कोई फैसला ही नहीं हुआ। अभी तक फैसला क्या है कि पहले इलेक्शन कमीशन का एक मशीन हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिनी जाएगी। 2 साल में 1500 इस तरह मशीनें गिनी गई और वो 1500 टैली कर गई, कोई मिसमैच नहीं हुआ, यानी उससे वीवीपैट की यूजफुलनेस साबित हो गई। फिर बाद में ये सुप्रीम कोर्ट तक गया है, अब के तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं एक मशीन नहीं आप 5 मशीनें गिनो। तो हालांकि ये एक भी और 5 भी शायद साइंटिफिक बेसिस तो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब 5 है, लेकिन एक से बढ़ के 5 ये तो बहुत पॉजिटिव था सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया। अब पूरे लोकसभा के लिए 20,000 के करीब मशीनें टेस्ट होंगी, तो ये फैसला। डिमांड है कि 5 काफ़ी नहीं है क्योंकि आपने रैंडमली निकाली लेकिन गड़बड़ कहीं और है, वो उसमें नहीं आई तो छुपी रह जाएगी। कोई पार्टी कहते 30% करो, कोई कहता 50%, एक तो कल रिट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि 100% ही करो। मैं समझता हूँ कि ये ना करके मेरा सुझाव ये है कि पहले तो मैंने एक सुझाव ये दिया था कि आप इतने परसेंटेज के चक्कर में ना पड़िए। क्रिकेट में एक डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS सिस्टम है कि दोनों टीम्स को दो दो अपीलें दी जाती हैं कि भाई एक LBW हो रहा है, कैच का अपील हो रही है, 10 बीस हो रही हैं, लेकिन आपने किसी 2 की अपील कर दीजिए
और अगर वो ठीक निकली तो फैसला बदल दिया जाएगा, और अगर नहीं निकली तो आपने अपने अपॉर्चुनिटी खो दी। तो ऑब्वियसली गैर जिम्मेदारी से कोई अपील नहीं करता कि मैंने पहली दूसरी अपील फटाफट 5 मिनट में कर दी और बाद में वाकई में LBW डिसीजन डाउटफुल था तो की तो वैल्यू नहीं। तो मैंने ये कहा था कि जो टॉप टू रनर्स अप हैं, क्योंकि स्टेक तो उन्हीं के, अगर बेईमानी हुई तो, जैसे अगर आप जीतने वाली थी और मैंने बेईमानी की और आपको हरा दिया तो स्टेक तो आपका हो गया, या दूसरा जो कोई हो सकता है। टॉप टू रनर्स अप दो दो मशीनें चुन लें जिन पे उनको शुभ है, अगर उस मशकूक में भी ठीक निकला तो फिर बात खत्म। चलिए वो बात तो उस पर तो कोई डिबेट उस पर कोई हो ही नहीं, किसी ने नहीं की। अब क्या है कि अगर किसी मशीन में मिसमैच हुआ तो क्या करेंगे, तो उसमें भी दो सूरतें हैं। एक तो मिसमैच ऐसा है कि जो कई जगह जहन में सामने आया था कि हर पोलिंग बूथ पे पोलिंग डे पे एक मॉक पोल होता है सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे, जिनमें 50 वोट के करीब वोट डाल के देखे जाते हैं और फिर रिजल्ट निकाल के देखते हैं कि भाई इस मशीन ने ठीक का काम किया है, और उसको सब कैंडिडेट के उनके एजेंट साइन करते हैं कि हमारे सामने मॉक पोल हुआ था, सुबह 7 बजे तक मशीन अच्छा काम कर रही थी। तो हैरानी की बात ये होती है कि सुबह 7 बजे ठीक काम कर रही है तो 8 बजे क्यों करेगी बेईमानी। तो ये तो मॉक पोल तो इसका सबूत है कि मशीन ठीक है। फिर कई कई जगह ये हुआ कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मॉक पोल को उसने इरेज करना होता है, ताकि अब मशीन आपको टेस्ट करा ली, आपने देख लिया, आपने सर्टिफाई कर दिया, ये टेस्ट डिलीट कर दिया, अब पोल शुरू हो गया। होता है वो कभी कभी वो नर्वसनेस में घबराए हुए होते हैं, वो भूल जाते हैं, कई जगह हुआ कि वो भूल गए। अब सपोज 700 वोट पड़े थे तो मशीन शाम को दिखाएगी 750, एकदम उधम मच जाएगी कि देखो गड़बड़ है, ये तो बेईमानी है। तो जहाँ पे बड़ा क्लियर है कि ये मॉक पोल वाले इसमें ऐड हो गए हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वो तो रिकाउंट आपने करने ही करने हैं और मशीन से गिनने हैं। तो लेकिन जहाँ इससे भिन्न है, इससे डिफरेंट है, उसका क्या करें, उस पर अभी तक रूल्स खामोश हैं। मेरा कहना यह है कि उस जहाँ पे भी एक मशीन भी अगर डिस्क्रिमिनेशन दिखाए, उस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी मशीनों को गिनिए। अच्छा उसके ऊपर पूरा है, गिना। पूरा की नहीं है, हालांकि उस पर इतराज हो सकता है, ये इलेक्शन कमीशन ये कोई अरे कहे CPIM यही कह रही है, जी मुझे नहीं मालूम सीतारामन आज ही कौन उनका डिमांड है कि अगर एक भी गलत निकली तो वो विधान क्षेत्र की आप की पूरा। हाँ पूरी मुझे नहीं आपकी मालूम जीत, किसकी चल क्या डिमांड आपके है, सुझाव से हो वो सकता कर, है उन्होंने, क्योंकि आपके सुझाव से उन्होंने कहा है, क्योंकि आज मैंने प्रेस नोट देखा 6 दिन पहले जी, मैंने इस ये तो उसी पे पर उन्होंने कहा है जी आज जी 6 दिन पहले मेरे एक आर्टिकल था DNA में, उसमें मैंने ये लिखा हाँ था, हाँ तो शायद उसी को हो सकता लेकर है, हो सकता उसी है। को कोट करते हुए उन्होंने कहा है। अच्छा उसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह सकते हैं कि साहब पूरे एक में क्या निकला, तो आप 300 की 300 मशीनें गिनेंगे, टाइम लगेगा। अरे भाई टाइम लगेगा तो लगेगा, अभी भी तो 3-3 महीने इलेक्शन चलते ही है, हाँ क्योंकि फेथ जनता का विश्वास बहुत जी ज़रूरी है। जी दूसरे मैं समझता हूँ कि शायद इसकी नौबत भी नहीं आएगी, जी अगर पिछले 2 साल में 1500 मशीनों में कोई मिसमैच ही नहीं हुआ जी 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 तो हम ये उम्मीद करके चलें कि यहाँ भी किसी का भी मिसमैच नहीं जी होगा, एक जी का भी नहीं होगा। जी लेकिन इक्का दुक्का का अगर हो गया तो उसकी वजह से पूरे विधानसभा के आपने रिकाउंट कर लिया, उससे तो जनता का विश्वास इस सिस्टम में होगा, बिल्कुल वरना तो आप देख रही हैं, देख रहे हैं अखबारों में मीडिया में कितना हाहाकार मची हुई है। जी। रही बात आपके EVM मशीन स्ट्रॉन्ग रूम और सुरक्षता की, तो वो आखिरी बात कौन सी कंट्रोवर्सी जो गए 4-5 दिन से चल रही है कि आपका 7 फेज का इलेक्शन हुआ, शुरुआत हुई 11 अप्रैल से, खत्म हुआ 19 मई, तो कहाँ पे इकट्ठा होंगे मशीन, कहाँ पे स्टोर होंगे, उनके साथ कौन रहेगा, कैन दे बी रिप्लेस्ड, मतलब मेरे मशीन को भी रिप्लेस कर सकता है क्या मास स्केल पे, ये सब भी बहुत सारे आज धरना पे भी बैठे हैं शायद बिहार में कई लोग उसी को लेकर, कि उनको लगा कि, फिर मुझे किसी ऑफिसर ने समझाया कि हर 25 बूथ के लिए 3-4 मशीन स्पेयर रखी जाती है, किसी ऑफिसर ने मैं जब मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे समझाया कि फॉर एवरी 25 बूथ्स टू देर आर 3 to 4 एक्स्ट्रा मशीन्स केप्ट इन केस ऑफ मैल फंक्शनिंग, तो अगर आपने वो एक्स्ट्रा मशीन किसी ने देखा भी हो तो हो सकता है वो 250 बूथ के लिए वो जो 40 मशीन एक्स्ट्रा थी उसके बाद उसको लेकर पैनिक खड़ा किया गया, तो लोग पूछते हैं मगर वो वोटिंग डे का मसला है ना, क्योंकि जब वोटिंग डे होता है एक बार वो सील वील हो जाती स्ट्रांग रूम में बंद हो जाती फिर तो एक्स्ट्रा मशीन की कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए, तो आजकल में क्यों निकल रही है सब एक्स्ट्रा मशीन। हाँ नहीं, इस पे देखिए इलेक्शन कमीशन के रूल तो बड़े क्लियर हैं, हाँ और कि जब पोल ख़त्म हो जाएगा
तो सारी मशीनें वापस हर हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाके वो देता है, और कोई कोई कंप्लेंट होती है, कोई जी शिकायतें होती हैं वो भी लाके देता है कि भाई मैं पूरे दिन की कोई रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सरेंडर करेगा। तो जो एक्स्ट्रा मशीनें हैं वो भी सरेंडर उसी वक्त होती हैं। अच्छा, लेकिन उनके लिए दो अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, स्ट्रांग रूम, कि जो मशीनें इस्तेमाल हो गई उनका स्ट्रांग रूम अलग है, जो रिजर्व की थी और बगैर इस्तेमाल के वापस आ गई उनको अलग, लेकिन दोनों को सील करके सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए बराबर, उनके बाहर भी सिक्योरिटी कवर उतना ही होगा जितना कि पोल्ड मशीनों का होता है। उसके बाद अगर इक्का दुक्का कहीं दिखी हैं तो वो इस तरह होती है कि देखिए 10 लाख पोलिंग स्टेशन है, और हर पोलिंग पार्टी में 5-5 लोग होते हैं, तो 50 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो 10 लाख प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी मशीनें लेके आ रहे हैं, किसी को कहीं टॉयलेट जाना पड़ गया तो वो अपनी होटल के कमरे में छोड़ के चले गया, वहाँ पे फटते फटते कैमरा पहुँच गए, या किसी ने बेवकूफ़ी में, नलायकी में, बदमाशी में भी की, लेकिन वो इक्का दुक्का होते हैं। 10 लाख में से 2-4 ने अगर कर दी वो उसको लेके, चूंकि आजकल के मीडिया एज में उसे एक्सप्लेन हो जाता है कि जैसे हर जगह ये बेईमानी हो रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो समझता हूँ जो इसमें यहाँ पे गलती करता रहा है पिछले 3-4 साल से, कि उसके जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा स्लो होता है। हाँ जब पूरे उस मुल्क में आग लग चुकी होती है तो वहाँ से फिर 4-5 दिन बाद आता है कि नहीं जी हमने इंक्वायरी की थी, वो तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। जैसे ये तो फैक्ट की बात है ना कि भाई अगर कोई ट्रक में 20 मशीनें दिखाई दी तो सबसे बड़ी चिंता तो इलेक्शन कमीशन खुद ही होनी चाहिए इससे पहले कि कोई बताए, और इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है वो फौरन जो पब्लिक करनी चाहिए कि हमने इंक्वायरी की और पता ये लगा कि वो यहाँ था, रास्ते में था, ट्रक था, ख़राब हो गया था, लेट हो गया था, वगैरह वगैरह, जो भी उसका रीज़न है वो फौरन जनता से शेयर करना चाहिए। जो वो नहीं करते, 3-4 दिन चुप रहते हैं, उसके बाद बयान आता है जब तक तो आग लग चुकी है। ये बहुत गलती है, कम्युनिकेशन इन्हें सुधारनी चाहिए। एक कानून का एक हमें गलती लगी इलेक्शन कमीशन रूल्स में, जब उन्होंने एक नागरिक का कोई, अगर नागरिक कोई सवाल उठाना चाहे मेरे वोट को लेकर, तो उन्होंने क्रिमिनलाइज किया है। आई थिंक इट इज़ आर्टिकल, वो सेक्शन 39 या 41 कुछ है। हाँ, 56 तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैंने, जब मैंने वोट दिया तो मैंने पूछा कि मुझे देखना है कि मुझे, मैंने जहाँ वोट डाला कि वहीं पड़ा है क्या, तो उन्होंने बोला देखो मैडम आप देख सकते हैं, मगर आपका सही अगर निकला तो फिर हम आपके ऊपर केस कर देंगे। और उस वक्त रूल बने थे और हम रूल तो बदलते रहते हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट हुई है, रूल में कितनी अमेंडमेंट हुई है। यहाँ पे ये इस रूल को बदलने की जरूरत मैं समझता हूँ है, क्योंकि देखिए ईवीएम के खिलाफ एक शिकायत ये थी कि ईवीएम ऐसी प्रोग्राम की जा सकती है, की गई है कि हर वोट गलत जगह नहीं जाएगा, हर दूसरा जाएगा, हर पांचवा जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत में कि अगर प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हर पांचवा वोट किसी गलत जगह जाएगा, तो ऑब्वियसली आपने शिकायत की, आपने ठीक की, लेकिन जब आप प्रूव करने निकले तो वो तो दूसरा तीसरा चौथा ने तो ठीक जगह ही जाना था, अब पांचवा वोट बेमानी होगा, अगर ये थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ तो। इसलिए उस मैं अगर होता तो मैं कहता कि भाई ठीक है सजा तो रहेगी, लेकिन ये नहीं कि अगला बटन दबाने में अगर आपकी कंप्लेंट झूठी निकली अब अगले मैं आपसे 10 बटन दबाऊंगा, वो 10 बटन में 15 दबा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि क्योंकि वो शिकायत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन उस वो गैर जिम्मेदारी से लोग शिकायत न करें, उनको उनके खिलाफ उनको थामना भी जरूरी है। इसका बड़ा अच्छा इलाज है कि आप कह दीजिए कि भाई आप आइए साबित कीजिए, अगर 1 बटन नहीं आप 10 बटन दबाइए, एक भी उनमें से ठीक है निकला तो, गलत निकला तो आपकी बात ठीक होगी। तो उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इस इन चीज़ों को प्रोस्टिट्यूशन ही बनाना चाहिए, फौरन गौर करना चाहिए। मुझे तो बड़ा बहुत लॉजिकल चीज़ लगी है कि वाकई एक डीजी पुलिस अगर ये डर जाता है, कोई भी डर जाए, मैं ये सोचने लगा कि मैं क्या करता इसमें, मैं भी शायद डर जाता कि वो फटते पुलिस केस वो बनेगा, लेकिन उसके तो जवाब मैं बता रहा हूँ कि वो भी ठीक और झूठ के खिलाफ एक्शन वो भी ठीक। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, ये दो बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे, मतलब दे आर वर्चुअली ऑन पार इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, कॉन्फिडेंस ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह। और पहले भी हमने देखा है जब हमारी महाराष्ट्र से बहुत सारी शिकायतें आई थी 80s 90s में,
कई स्पीचेस को लेकर वगैरह, एक आम तौर से इलेक्शन कमीशन की शिकायत रहती थी कि जहाँ पे मॉडल कोड की वायलेशंस का मामला है, सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, द कोर्ट केसेस टेक टू लॉन्ग. मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जहाँ वायलेशंस की बात होती है, कोई कैंडिडेट जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब 10-15 साल बीत जाते, तो फाइनल पीनल एक्शन आने आने तक इट वर्चुअली बिकम्स मीनिंगलेस. देखिए, वो मॉडल कोड का वो नहीं है, वो बेसिकली वो करप्ट प्रैक्टिस है. करप्ट प्रैक्टिस इज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स, हां, उसमें करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्शन पिटीशन होते हैं. वो जी मॉडल कोर्ट पे तो कोर्ट में जाते नहीं हो, करेक्ट फॉर करेक्ट समरी डिसीजन इलेक्शन कमीशन के जाते हैं. और इलेक्शन पिटीशन, ये बात ठीक है, 5-5, 10-10 साल तक नहीं होते, ये बहुत दुख की बात है. और इसमें कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए. ये लॉ में लिखा था, लिखा है अभी भी, कि इलेक्शन पिटीशन जो फाइल होगा, कि कोर्ट की कोशिश होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर अंदर फैसला करें, 6 महीने के अंदर, बल्कि उसमें 6 महीने में डिसाइड करें. 6 महीने में तो कोई नहीं डिसाइड करता. केरला हाई कोर्ट में हमने देखा कि 1 साल के अंदर अंदर नॉर्मली फैसले देते रहिए, बाकी कोर्ट तो हैं 10-10 साल तक फैसला नहीं करते. तो उस क्या उस पिटीशन का क्या फ़ायदा हुआ? पूरी टर्म ख़त्म करके पूरा कोई मिनिस्टर 5-5 साल रह के चला गया और बाद में पता लगे कि वो इलेक्शन तो इलीगल था, तो देखिए उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या होगी. आखिरी दो सवाल, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स, आपको क्या लगता है, डू दे इन्फ्लुएंस थिंकिंग इन अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे मीडिया के पीछे इतना पैसा है, कॉर्पोरेट पैसा है, जहाँ इलेक्शन कैंपेन पे इतना पैसा डाला जा रहा है? आपने भी खुद कहा था कि इलेक्शन कैंपेन में भी जिस तरह कैंडिडेट और पार्टी के ऊपर पैसे की रोक नहीं है, वी डोंट हैव स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, तो ये सब सूरत हाल में, एक तो मनी इन इलेक्शंस का सवाल और दूसरा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का सवाल. ठीक है, ओपिनियन एग्जिट पोल तो मैं क्या, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ रही हैं, हमारे पास भी आती थी उन्होंने, बल्कि 1999 में 2004 में ऑल पार्टी मीटिंग ने कहा कि ओपिनियन एंड एग्जिट पोल को बैन करना चाहिए. हम लोग जब इलेक्शन कमीशन में 2006 से 12 में 2008 में हमारे पास भी सारी पार्टीज आईं और उन्होंने ओपिनियन एग्जिट पोल को बंद करने को एक आवाज़ से, तो उसमें सिर्फ एक उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था कि इसको बैन को किस वक्त शुरू करें, जिस दिन इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल अनाउंस करता है या जिस दिन एक्चुअल फेज वाइज नोटिफिकेशन होता है, सिर्फ इतना झगड़ा था. लेकिन इस पे यूनानिमिटी थी कि बैन होने चाहिए. तो हमने कहा अच्छी बात है, बैन करो, तो अगर आप को उन पे विश्वास नहीं है तो बैन कर दीजिए. तो लेकिन बैन तो हमारे इख्तियार में नहीं, वो तो एक्ट में होता है, आप एक्ट में एक्ट आपने बनाना है, कर लीजिए. हमने उन्होंने ड्राफ्ट बनाया बैन का, हमको दिखाया, हमने कहा ठीक है, जो अपने सजेशन देते थे वो दे दिए. अब जो देखते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक्ट क्या पास किया कि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल तो बैन कर दिया, ओपिनियन पोल चालू रखा और बाद में खुद ही जो रोते हुए आ गया कि देखो जी ओपिनियन पोल बेमानी का हो रहा है हमारे खिलाफ. आपने कहा था आपको तो अपॉर्चुनिटी थी, हमसे हाँ. तो आप कहते थे बैन लगा दो, आपने लगाना था आपने लगाया नहीं, अब आप भुगतो. तो ये द फैक्ट कि यहाँ पे एक मीडिया एक परचेजेबल कमोडिटी हो गया, पेड न्यूज़ एक बहुत बड़ा एक स्कर्ज हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया. ऐसी सूरत में पेड ओपिनियन पोल का होना, ये एग्जिट पोल का होना बड़ा मुमकिन बात है. बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि स्टिंग ऑपरेशन मैंने देखा था न्यूज़ एक्सप्रेस नाम की चैनल पे, 5 घंटे तक मैंने टीवी पे चिपका रहा था. मैं उसको जो देखा, 11 पोलिंग एजेंसी अपनी अपनी बेईमानियों की कहानियाँ खुद सुना रही थी अपने नए ग्राहक को खरीदने के लिए. तो ऐसी सूरत में ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के नाम से उन्होंने उसको किया था. तो जहाँ ये बेईमानी इनकी पहले कितनी बार साबित हो चुकी है, क्या भरोसा कि पैसा लेके इन्होंने ये कर दिया. तो और वो पोल साइंटिफिक क्या, कोई कह रहा है 100 सीटें आएगी, कोई कह रहा है 5 सीटें आएंगी, और दोनों साइंटिफिक बेसिस की बात कर रहे हैं. तो इतनी अगर रेंज ऑफ वेरिएशन है तो क्या साइंस उसमें हुई? फिर ऑब्वियसली उसमें से कोई अगर जो ज़रा सा करीब आ गया तो वो कह देखो जी मेरा ठीक है, दूसरे का ख़राब है. तो पोल ओपिनियन एग्जिट पोल अच्छी चीज़ है अगर ईमानदारी हो, लेकिन चूंकि उसमें बेईमानी है, बेईमानी का अंदेशा है, खतरा है, और बल्कि उसका तो सबूत भी है स्टिंग ऑपरेशन, तो इसलिए ये इसको बैन करना ज़रूरी है. इन्हीं नहीं के होना बैन होना चाहिए ना होना चाहिए, ये डिबेट ही नहीं है. अब बैन तो है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कानून में लिखा है आप उसको कंडक्ट भी नहीं कर सकते. कंडक्ट डिसमिनेशन दोनों बैंड हैं.
तो फिर ये जब कंडक्ट ही नहीं हुआ तो डिसेमिनेट कैसे हो रहा है? कंडक्ट कैसे होता है? जैसे जैसे वोटर बाहर निकल रहा है उससे पूछा जाता है, जी ठीक है? जब ये बैन था तो किसने किससे पूछ लिया, इलीगल काम किया, उसकी सजा है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये कंडक्ट कैसे हुआ और फिर डिसेमिनेशन कैसे हुआ, दोनों क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं और बड़े खुलेआम हो रही हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। मनी इन इलेक्शंस लास्ट मनी इन इलेक्शन ये बहुत चिंता का विषय है। जब मैंने चार्ज लिया था CEC का, मेरी इनॉग्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दो चैलेंजेस अपने लिए रखे थे कि एक तो मनी इन इलेक्शंस कि जी इतना पैसा होता है मैं इसके पीछे जाऊंगा डंडा लेके, दूसरा था वोटर एपेथी, पर्टिकुलरली शहरों में सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग जो हैं वो वोट देते नहीं, और नर्सली वोट नहीं देते बल्कि ब्रैग भी करते हैं, मैंने तो आज तक नहीं किया, आज तक वोट नहीं दिया, तो बजाय मुंह छुपाने के वो मुंह छुपे ताव दे के कहते थे कि हमने वोट नहीं दिया। हमने कहा ये नहीं चलेगा। ये दोनों चैलेंजेस अपने लिए हमने दो नई डिविजन्स बनाई इलेक्शन कमीशन में, वोटर एजुकेशन डिवीज़न और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न। वहाँ पे अपने कई रूल बनाए और हमने पैसे की पकड़ पकड़ धकड़ शुरू की। सैकड़ों करोड़ रुपया उस ज़माने में पकड़ा था, अब तक तो हज़ारों करोड़ हो चुका है। बल्कि मेरी एक किताब है ये, अन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, आपके कैमरे के लिए भी दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 40 तरीके बेईमानी के जो ये लोग यूज़ करते हैं वो जो जो हम उस वक्त तक पकड़ चुके थे, तरीके तो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, लेकिन जितने हमने पकड़ चुके थे उसका हमने पूरा उस हमने वो उनकी लिस्ट लिखी थी। अब उन्होंने उसके बाद और भी ढूंढ लिए होंगे। कहाँ चले गए? अभी दिखा देते हैं फिर। जी दिखा दीजिए। और उसमें मतलब जो पार्टी खर्चा करती है इलेक्शन पे, हाँ, और जो कैंडिडेट को अलाउड है, उसमें एक बड़ी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि जब एक कैंडिडेट के पीछे इतना पैसा डाला जाए। जी ये ये देखिए, जी देखिए, जी चेकलिस्ट ऑफ मोडस ऑपरेंडी, हाँ, ये के टाइप्स ऑफ इलीगल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग लाइसेंस, एक से लेके 40 तक, ये 40 तक हमने जो आपने पकड़े उस वक्त तक पकड़े हुए थे। अब उन्होंने और तरीके ढूंढ लिए होंगे क्योंकि क्राइम तो हमेशा आगे होता है। अब आप सवाल कर रही थी पार्टी की, ये भी मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म की बहुत पुरानी डिमांड है, ज़रूरत है कि कैंडिडेट के ऊपर तो खर्चे की लिमिट है। आप जैसे 70 लाख है आपके उसके लिए लोकसभा के, लेकिन आपकी पार्टी आपके ऊपर 7 करोड़ खर्च कर दे, 70 करोड़ खर्च कर दे, कोई सवाल नहीं। ये मतलब क्या हुआ? ये टोटली डिफीट द पर्पज। ये तो इमीडिएटली अब UK में दोनों पे कैप है, अच्छा। पार्टी कितना कर सकती है, कैंडिडेट कितना, वो हमें फौरन करना चाहिए क्योंकि पार्टियां इतना, अब फिर पार्टियां जब इतना खर्च करेंगी तो कहाँ से करती हैं? वो बेमानी वहां से शुरू हो जाती है कि भाई कॉरपोरेट से तो लेंगी, कोई फ्री में तो कोई और देगा अभी नहीं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी मसला हुआ गया, आपको बताना भी नहीं है कि किसने कहाँ बताना दिया। नहीं कतर एग्जैक्टली, तो वो कॉरपोरेट से पैसा लीजिए क्योंकि आप कितना भी चाहे खर्च कर दें, अगर उस पर लिमिट लगा दीजिए तो आप देखिएगा कि काफी सुधार इस पूरे प्रोसेस में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।